कार्तिकारिन की भूलभुलैया 2 लगातार बॉक्स ऑफिस पर नई ऊंचाइयों को छू रही है। बुधवार को 9 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करके फिल्म ने 6 दिनों के अंदर अंदर 84 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। फिल्म भूलभुलैया 2 ने अपने पहले दिन धमाकेदार एंट्री करते हुए 14 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। इस फिल्म ने शनिवार को 18 करोड़ 34 लाख, रविवार को 23 करोड़ 51 लाख, सोमवार को 10 करोड़ 75 लाख और मंगलवार को 9 करोड़ 56 लाख की कमाई की है। ये फिल्म न केवल वीकेंड्स पर बल्कि वीकडेज में भी काफी अच्छी कमाई कर रही है। डिफरेंट स्टोरी और हॉरर फैक्टर होने की वजह से दर्शक इसे दूसरी फिल्मों के कंपैरेटिव ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। फिल्म क्रिटिक्स की माने तो फिल्म की कहानी इतनी खास नहीं और ना ही एक्टर्स की एक्टिंग इतनी इम्प्रेसिव है। बावजूद इसके ये फिल्म दूसरी फिल्मों के कंपैरेटिव जरा डिफरेंट है और इसी वजह से दर्शक इसे देखना पसंद कर रहे हैं। खैर कारण जो भी हो, इसका सीधा सीधा फायदा एक्टर्स और फिल्म मेकर्स को जा रहा है। इस फिल्म ने एक हफ्ता पूरा करने से पहले ही 75 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसे में फिल्म क्रिटिक्स का कहना है कि ये फिल्म जल्द ही 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो जाएगी। गौरतलब है कि भूलभुलैया 2 भूलभुलैया 1 का सीक्वल है। भूलभुलैया 1 में अक्षय कुमार, विद्या बालन और शाइनी आहूजा लीड रोल में थे, जबकि भूलभुलैया 2 में लीड रोल में कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी और तब्बू हैं। फिल्म एनालिस्ट की माने तो ये फिल्म आज यानी गुरुवार को भी तकरीबन 9 करोड़ की कमाई कर सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये फिल्म एक हफ्ते के अंदर अंदर 100 करोड़ के क्लब में शामिल होती है या नहीं। हम अपडेट करते रहेंगे आपको। जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।